हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए हम लोग इंडिया के तरफ इंडिया के लिए जितना भी जीडीपी का फोरकास्ट होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ठीक है, वो हम लोग जल्दी से यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स का 2 मैराथन सेशन प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें लास्ट 6 मंथ्स का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो भी टॉपिक वाइज मैंने आप लोगों को वहां पर करवा दिया है। ठीक है, सब कुछ हम लोगों ने इतना डिटेल में किया है जितना आप लोगों के एग्जाम के लिए थोड़ा सा मतलब रिलेवेंट हो, या एग्जाम के लिए आप लोगों का जिसका मतलब जितना जरूरत हो। ठीक है, बिकॉज लास्ट टाइम आप लोग ज्यादा कर भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इस बात से अगर आप लोग चाहते हैं तो उस सेशन को देख लीजिएगा और उसके बाद ये सेशन आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक का भी मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी मार्च से लेकर अगस्त तक का मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सितंबर का मैं स्टार्ट मतलब आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, 1 से 2 दिनों में मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो रहेगा, ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो रहेगा। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा। ओके, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी प्रेडिक्शन है वो हम लोग यहाँ पे बस डिस्कस करेंगे। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, बोलने का मतलब जो 2022 से लेकर 2023 तक का जो पीरियड था उस टाइम पे मतलब उसे फाइनेंशियल ईयर 2023 बोला जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग इतना जानते होंगे। तो 2023 के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कितना था, 6.8% था। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, बोलने का मतलब जो भी करंट में रनिंग पीरियड है ना, या जो करंट रनिंग ईयर है 2023 से 2024 तक का, ठीक है, तो उसमें 6.5% है। ठीक है, S&P जिसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के नाम से जाना जाता है, मतलब जिसका एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म है, 7.2% था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 6.7% है और जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसके लिए 6.9% है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का जो इको रैप का रिपोर्ट निकलता है, ठीक है, उसके तरफ से 7.1% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए बताया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए ऐसा बताया गया है कि 6.2 से लेकर 6.3% के बीच में ये बिटवीन मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, 2025 के लिए अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसका। वर्ल्ड बैंक की तरफ से 6.9% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में था, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 6.3% बताया गया है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से 6.6% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए बताया गया था, जो लास्ट प्रेडिक्शन था फाइनेंशियल ईयर 2023 का। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो 5.8% है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बताया गया है और 6.7% फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बताया गया है। मूडीज की तरफ से 6.8% फाइनेंशियल ईयर 2023 की तरफ से 2023 के लिए लास्ट प्रेडिक्शन था और 6.1% जो है वो करंट में प्रेडिक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए और 6.3% बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी तरफ से 7% था लास्ट प्रेडिक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023 का, 6.4% जो है वो है फाइनेंशियल ईयर 2024 का और 6.7% है फाइनेंशियल ईयर 2025 का। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इसकी तरफ से 6.9% प्रेडिक्शन था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, 5.9% फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बताया गया है। जो CII है जिसका एब्रीविएशन है फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी तरफ से 7.2% फाइनेंशियल ईयर 2023 का लास्ट प्रेडिक्शन था और 6.5 से लेके 6.7% तक का फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इसका प्रेडिक्शन है। क्राइजिल की तरफ से 7% था फाइनेंशियल ईयर 2023 में और 6% बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। फिक्की की तरफ से 6.9% जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए ऐसा प्रेडिक्शन था और 6% जो है वो बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिलीज किया जाता है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से, ठीक है, 7.2% इसकी तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए प्रेडिक्शन किया गया था, 6.1% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बताया गया है, 6.3% फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बताया गया है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से 7% फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो लास्ट प्रेडिक्शन था, ठीक है, 6.4% फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बताया गया है। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से 6.3% जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बताया गया है। केयर रेटिंग्स की तरफ से ये आपका 7% बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, 6.5% फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इसका प्रेडिक्शन किया गया है। OECD की तरफ से 7.2% बताया गया था फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए एंड 6% बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, 7% बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। नोमुरा की तरफ से 5.9% फाइनेंशियल ईयर 2024 का बताया गया है। UBS की तरफ से 6.9% फाइनेंशियल ईयर 2023 का बताया गया था एंड 5.5% फाइनेंशियल ईयर 2024 का बताया गया है। HSBC की तरफ से 5.8% फाइनेंशियल ईयर 2024 का बताया गया है। इकोनॉमिक सर्वे की तरफ से 7% फाइनेंशियल ईयर 2023 का लास्ट प्रेडिक्शन था एंड 6.5% फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए बताया गया है। फिच रेटिंग्स की तरफ से 7.2% फाइनेंशियल ईयर 2023 का लास्ट प्रेडिक्शन था एंड 6.3% फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए प्रेडिक्ट किया गया है। NSO की तरफ से 7% फाइनेंशियल ईयर 2023 का प्रेडिक्शन था, ठीक है, और अभी करंट में ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं बताया गया है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट था एंड जितना भी अपडेटेड है वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है, मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स का मैराथन पूरा कंप्लीट करवा दिया है।
उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक कंप्यूटर वेडेंस का भी सेशन या मैराथन ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, आप लोग चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद अभी आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए भी मैं कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस का कुछ मैराथन नहीं मतलब क्वेश्चन आंसर का एमसीक्यू वगैरह कुछ करवा दूंगा, ठीक है। बिकॉज अभी आरआरबी के लिए टाइम नहीं था मेरे पास, तो इस बार से मैं नहीं करवा पाया, बट ऑलरेडी एक मैराथन सेशन मैंने पूरा कंप्लीट थ्योरी का करवा रखा है, आप लोग चाहते हैं तो देख सकते हैं। करंट अफेयर्स मैंने करवा दिया, जीडीपी वाला मैंने करवा दिया, अब आप लोग अच्छे से जाइए एग्जाम दीजिए, ऑल दी बेस्ट आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम के लिए अगर बात किया जाए तो बस उतना ही करना है जितना आप लोगों को आता है, गेस वर्क नहीं करना है, बिना मतलब के ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे नहीं भागना है। जब हमको आता नहीं है उसको बना के हम अटेम्प्ट करके क्या कर लेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, है ना, तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को जो आता है बस वही कीजिए। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि हाँ किस सेशन को पहले करें और कितना टाइम दें, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को, उसका लिंक जो है वो यहाँ पर जो आई सेक्शन आता है ना उसमें मिल जाएगा, एंड इवन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।